हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखिए यहां पर केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा केस स्टडी से क्वेश्चन है, अभी मैं आपको कराऊंगा। सो यहाँ पर देखिए हमारा 7 पार्ट्स हो चुके हैं केस स्टडी के, और मैंने आपको हर एक क्लास में, किसी क्लास में 2 केस स्टडीज करवा रखी है, किसी क्लास में 3 केस स्टडीज करा रखी हैं। सो आप लोगों के यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि 7 क्लासेस अगर हो गई हैं तो 23 या 24 केस स्टडीज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और जो ये आज की केस स्टडी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटिस्टिक्स की केस स्टडी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। सो 3 केस स्टडी हम यहाँ पर और पढ़ेंगे, तो ये हमारा आज 8th नंबर की केस स्टडीज, 8th नंबर का लेक्चर रहेगा केस स्टडी का। और हमारे यहाँ पर आपको पता है मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, जिसे आप सभी लोग देख रहे हैं, कब, डेली 6 PM इवनिंग पर। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, एंड जो लोग भी चैनल पर पहली बार आज विजिट हो रखे हैं उन्हें अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, डाउट समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर जो भी डाउट है वो क्लियर हो रहा हो आप लोगों का, तो प्लीज़ एक बार आप सभी लोग लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपको पता है बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, डेली 6 PM इवनिंग आप तक ये क्लास पहुँच जाती है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ फिर से। आइए देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी केस स्टडी आपके लिए आज मैं लेके आ रखा हूँ। ऑलराइट, देखिए ये बहुत अच्छी केस स्टडी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं जरा क्या है केस स्टडी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद वांट्स टू बाय सम इलेक्ट्रिक बसेस फॉर द सिटी, फॉर विच दे वांट टू एनालाइज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस। ऑलराइट, इन अ डे द फॉलोइंग डेटा शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 60 एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे। स्टूडेंट देखिए, मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ, तब तक आप एक काम करिए, मैं भी करता रहता हूँ ना, आप भी करते रहिए, आपको ये क्लास आपकी प्रीमियर होती है। सो आप इसका क्या कीजिए, मीडियन फाइंड करते रहिए। मैं जिन लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कराते रहता हूँ, चलिए ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। तो 60 एग्जिस्टिंग बसेस है ये आपको पता है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल। ये चैलेंज है, कौन इसको निकाल पाएगा, जल्दी निकालिए, ठीक है, मैं चेक करूंगा कौन इसको निकाल पाएगा, जल्दी से निकालिए। ऑलराइट, मैं भी करता हूँ, आइए। सो इफ द मोड इज, अच्छा सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मोड इज 223.78 किलोमीटर फाइंड द मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी, आइए कह सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका सेकंड वाला है, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला लगेगा। चलिए अभी बताते हैं आपको, पहले भी मैंने करा रखा, अगर आप हमारी क्लास में डेली आते होंगे तो ठीक है। स्टूडेंट्स तैयार हो आप सभी लोग, जल्दी से तैयार हो जाइए और बुला दीजिए सभी लोगों को, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ केस स्टडी का। और मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ऑलराइट, जैसे आप लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की हमसे, देखिए आप लोग ये चाह रहे हैं कि सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराइए, ठीक है, ईजी आप कर ले रहे हो तो थोड़ा हार्ड कराइए, तो एक केस स्टडी में भी हार्ड क्वेश्चन ये बन रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, सो देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्लास इंटरवल्स दिख रही है, बट ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में आपको ये और ये बॉक्स दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये वाला और ये वाला, ये मैंने अपने मन से लिया क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है यहां पर। स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, ठीक है, तो अभी देखिए मैंने क्यों अलग से CI लिखा है, देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर जो क्लास इंटरवल है अभी वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ना एक्सक्लूसिव फॉर्म कैसी होती है, अगर यहां पर देखिए कोई भी क्लास इंटरवल देखिए, उसकी जो लोअर, उसकी जो अपर क्लास लिमिट होती है वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट बन जाती है। इसका मतलब अगर यहां पर 209 है तो यहां भी 209 होना चाहिए था, अगर 219 है तो यहां भी 219 होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है। सो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है कि कोई भी क्लास इंटरवल हो, ठीक है, उसकी जो अपर क्लास लिमिट हो, ठीक है, उसकी जो अपर क्लास लिमिट हो वो क्या हो, वही अपर क्लास लिमिट क्या हो, सेकंड वाली क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट बन जाए, ठीक है। सो मतलब मेरे कहने का होता है, अगर यहाँ 209 तो यहाँ भी 209 होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोई भी एक रेंडमली आप एक क्या कर लीजिए, यहाँ पर चूज कर लीजिए क्लास इंटरवल, ठीक है, अभी जो रियल नहीं है या इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, इसको आप चूज कर लीजिए, हमें एक्सक्लूसिव बनानी है, मीडियन फाइंड करना है तो एक्सक्लूसिव बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए, तो देखिए 210 से 219 लिखा है, हाँ एक काम करते हैं, मैं अपने मन से चलिए ये चूज लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इसको यही भी बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो खाली यहाँ पर बहुत स्पेस ले लेगा। देखिए आपको कहना, मैंने ये चूज करी 220 से 229,
इस क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट क्या है? चलिए यहां पर लिखे देते हैं, अगर सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। एक क्लास इंटरवल चूज करते हैं यहां से 200, ये समझाने के लिए करा रहा हूं ये वाला, 220 से 229 मीन्स वी हैव वी चूज 220 to 229, ठीक है, ये हमने चूज कर ली। देन इसी क्लास की, इसी क्लास इंटरवल की प्रिसीडिंग क्लास, नाउ चूज द प्रिसीडिंग क्लास ऑफ दिस क्लास इंटरवल। ऑलराइट, सो यहां पर ठीक है, इसकी प्रिसीडिंग कौन सी है? दिस वन इज द प्रिसीडिंग, सो 210 से 290। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, 210 से 219। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए सो आपको क्लियर होगा 220 से 229, ये क्लियर आपको। और फिर आपका इससे पहले वाला कौन सा है? ये है। अच्छा, इसको एक काम करेंगे, इसको हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, 210 से 229। अब इसको आप लिख लीजिए 222 229, इस तरीके से लिख लीजिए, और ये थोड़ा इजी रहेगा इस तरह से लिखना। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको क्या बनाना है हमें, मैंने क्या कहा, एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाने। सबसे पहले ध्यान से सुनना आप सब लोग, एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या नहीं करनी है, देखिए एक क्लास इंटरवल चूज करिए आपने, कर ली, ठीक है, उसका अपर क्लास लिमिट क्या है, ये है। दूसरी क्लास लिमिट देखिए, उसकी लोअर क्लास लिमिट को चेक करिए, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। सो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे आप तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा। ऑलराइट, इसको आप लिख सकते हैं या तो एच, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 220 में से मार्क कर भी तो काम नहीं कर रहा, ओके यस 220 में जल्दी से देखते हैं, 220 में से 219 को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 1। अब देखिए आपको इस इसको एच मान लेना है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये एच की तरह रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सो अब आप क्या करना है, आपको एच बाय 2 करना है और इसको 0.5 लिख लेना है, ये देखिए हो गया, ठीक है 0.5। अब देखिए अगर क्लास इंटरवल फॉर्म करनी है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अगर फॉर्म करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 0.5 का मैं आपको बताता हूं, 0.5 का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है। अब सब्सट्रैक्शन कहां पर करना है, लोअर क्लास लिमिट में, एंड एडिशन कहां पर करना है, अपर क्लास लिमिट में। सो 200 में से जब पहली जो क्लास इंटरवल, इसमें से आप माइनस करेंगे 0.5 को, सो आपको कितना मिलेगा, देखिए 0.5 टाइम्स से 5 गया 5 और 9 9 9, तो ये आ गया 199.5। अब इसमें से आप प्लस करेंगे तो 209.5 आ रहा, देखो 209.5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी एक क्लास इंटरवल बन गई, अब देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव बनेगी। अब 210 में से 0.5 माइनस कीजिए, 210.0 में से 0.5 माइनस करिए, ये आ गया 5 और ये आ गया 9, ये आ गया 0 और ये आ गया 2, ये देखिए 200, देखिए वो वाला यहाँ आ गया, अब ठीक है देखिए वो वाला यहाँ आ गया। अब एक चीज और देखिए, इसको ज्यादा नहीं करना है, ये एक सीक्वेंस बन रहा है इसको, उसमें देखिए ध्यान सुनना, आप लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है 209.5 आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है सभी लोग ध्यान सुनना, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं ये वाली लाइन को, ठीक है चलिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 10 10 ऐड करते जाइए, आप लोग आपको पता चल जाएगा, देखिए 9 इसमें 10 ऐड किया तो कितना हो गया, देखिए 200, इसमें 10 ऐड करेंगे 219.5। अब आपको पता है एक्सक्लूसिव बन रही, तो ये वाला ही आएगा यहाँ पर, आप लोग करके देख लीजिए 0.5 माइनस करके देख लीजिए इसमें, ठीक है, और इसके बाद देखिए फिर 10 229.5। ऑलराइट स्टूडेंट, ध्यान से सुनना आप लोग और ध्यान से देखना, ठीक है, मैं जो पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरे जो बोल रहा हूँ उसको सुनना स्टूडेंट्स, ठीक है 229.5, सो स्पेस कम दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है आपको इतना 229, तो आई थिंक आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, वेरी गुड। चलिए एंड देन इसके बाद देखिए 229.5 से 239.5। ऑलराइट स्टूडेंट, ये माइनस नहीं है, ऑलराइट अब देखिए फिर से 239.5 से आप लोग लिख लीजिए कितना 249.5। अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, देखिए मैंने क्या कहा, h बाई 2 दिख गया, 0.5 का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, और सब्सट्रैक्शन कहाँ पर, लोअर क्लास लिमिट में, और एडिशन कहाँ पर, अपर क्लास लिमिट में। अब देखिए टू फाइंड द मीडियन,
टू फाइंड द मीडियन वी हैव अ फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारी क्लास इंटरवल तैयार हो गई। आप ये क्लास इंटरवल आपकी तैयार हो गई है। अब क्या बनाइए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ बसेस दे रखा मतलब फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, आपको उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। सो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव क्या होगी इसकी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि सी एफ कहलाई जाती है, इसको चेंज करनी है। ये कैसे निकलती, देखिए फर्स्ट वाली तो यही रहेगी, अगली वाली इसमें से इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, फिर इसको ऐड करेंगे ये आ गया 44, और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 54, एंड स्क्वायर करेंगे 60। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो ऑलरेडी दिया था कि वी हैव अ 60 एग्जिस्टिंग बसेस, ऑलरेडी लिखा था, सॉरी ये लिखा जाता है हाँ 60 एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे, और वैसे भी यहाँ पर निकल गया। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, देखिए मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, एन बाय टू माइनस कैपिटल एफ, कहीं पर सी एफ भी लिखा रहता है स्टूडेंट्स, आप कोई भी डाउट मत रखना यहां पर बिल्कुल, ओके, इनटू एच। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन, ऑलराइट, ये मीडियन का फॉर्मूला है। और सबसे पहले ध्यान सुने, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, सो वो ये है, देखिए यहां पर n, सबसे पहले n, व्हाट इज n हियर, n इज द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड यू कैन से n इज ऑल्सो द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ऑलराइट, ध्यान सुनना, द जो भी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी n कहलाई जाएगी। इट मींस ध्यान सुनना, ये आपका n हो गया, और अगर आपको ऐसे नहीं करना है सो यू कैन डू सम ऑल ऑल्सो, ठीक है, इन सारे का, इन सब चीजों का, ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी इनका सम करेंगे तो यू विल गेट 60, ऑल राइट। सो समझ में आ गया सभी लोगों की n की वैल्यू कितनी है 60, एंड n यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा सा हार्ड अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहीं पर लिखा होगा कि सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई को हम n ही कहते हैं, ऑल राइट, ध्यान सुनना। So, हमें पता लग गया है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं n बाई टू, वट इज n बाई टू, सो वट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप, वट इज n अपॉन टू, तो देखिए मैं आपको लिखा देता हूं, चलिए n बाई टू कितना होगा, देखिए 60 अपॉन टू विच इज 30, नाउ चूज द वैल्यू विच इज जस्ट ग्रेटर देन 30 इन द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ऑल राइट, चूज द वैल्यू विच इज जस्ट ग्रेटर देन 30 इन द कॉलम क्यूमुलेट, इन द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कीजिए कि कौन सी वैल्यू ऐसी जो जस्ट ग्रेटर है 30 से, एक बड़ी है, सो 30 से ग्रेटर कहां पर है, यस हमें पता लग रहा है ये है, ऑलराइट, ये है जो 30 से बड़ा है, ठीक है, 30 से फर्स्ट बड़ा है मतलब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे बड़े भी है लेकिन पहली बार जो फर्स्ट ग्रेटर है वो यही है, उसके बाद ये बड़ा है, आपको पता है। सो अब आपको कुछ नहीं करना है, सुन देखिए आपको पता लग गया कि n बाई टू कितना होता है, सो यहाँ पर से हमें क्या पता लग गया n बाई टू, सो हमने n बाई टू जब निकाला तो हमें कितना मिला, सॉरी 60 अपॉन टू विच वी विल गेट 30। अब बहुत अच्छा हो गया क्वेश्चन, इस वाली सी एफ, इस वाले जो आपको डेटा दिया था क्लास इंटरवल इंक्लूसिव वाली, इसको आप भूल जाइए, एक्सक्लूसिव वाली की तरफ जाएंगे अब, ठीक है। अब देखिए आपको कहना 45, द वैल्यू द क्लास इंटरवल विच इज जस्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास, ऑल राइट, इज द मीडियन क्लास, मैंने क्या कहा, जो वैल्यू हो जस्ट करस्पॉन्डिंग किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो भी द क्लास इंटरवल विच इज करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव विच इज करस्पॉन्डिंग टू दिस 44, ठीक है, विच इज करस्पॉन्डिंग टू दिस 44 इज द मीडियन क्लास ऑफ दिस गिवन डेटा, ऑल राइट, सो इट मीन्स यहां से पता लग गया दैट वी हैव क्लास इंटरवल मीडियन क्लास इज 219.5 to 229.5, ठीक है, which is corresponding to this 44, all right students, so यहां से हमें median class find हो चुकी है, so median class, एक होता है देखिए model class, एक होती है median class, अगर mode निकालना तो model class, median निकालना तो median class, so हमें choose कर ली, क्योंकि 44 के corresponding यही एक class interval है, so 219.5 to 229.5 5. What is the lower class limit? This one is the lower class limit students. ये होती है आपकी lower, आपको पता है ये वाली क्या होती है, lower class limit. So यहाँ पर से आपको find कर ये लिख लीजिए कि lower class limit 219.5 हो गई. Now एक चीज और आती है जो h लिखा है, जो कि इसे हम देखिए वो h अलग था, ये h अलग है. This h is the size, width size. ठीक है, इसके लिए है ये, ठीक है, यहाँ से ना size, फिर ठीक है, sorry, हाँ इसको कहते हैं हम
हाँ, क्लास की विड्थ कितनी है, मतलब साइज ऑफ द क्लास। सो कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 229.5 में से माइनस करना है। और राइट, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है और ये माइनस हो रहा है, ठीक है, 219.5। अरे आपको पता चल रहा है कि यहाँ से 10 ही आएगा। और राइट, देखिए 90, ठीक है, 10.0 ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज कैपिटल एफ एंड व्हाट इज स्मॉल एफ। देखिए अगेन स्टूडेंट ध्यान सुनना, करस्पॉन्डिंग टू दिस 44 द फ्रिक्वेंसी विच इज करस्पॉन्डिंग टू दिस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज द स्मॉल एफ। यू कैन से दिस वन इज द स्मॉल एफ, कह सकते हो आप, इससे स्मॉल एफ ही होता है। सो चलिए, नाउ व्हाट इज कैपिटल एफ। देखिए यहाँ कैपिटल एफ लिखा है, सो कहीं कहीं पर ये आपको सी एफ भी दिया होगा, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी एफ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए क्या होगा ना, गलती से प्लीज डोंट राइट दिस, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कैपिटल एफ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या देखना है, जो भी मीडियन क्लास थी उसकी प्रीसीडिंग क्लास, चेक दी प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये है हमारी मीडियन क्लास, इसकी प्रीसीडिंग क्लास क्या है, ये है, और सिंपल तरीके से भी बताऊंगा आपको। और इस क्लास के जो सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी, ठीक है। देखिए इसके सामने जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही, कौन सी वाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 दिख रही है, सो ये 18 ही क्या मानी जाएगी, यहाँ पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, ऑलराइट, जो कि कैपिटल एफ माना जाएगा। सो दिस इज द कैपिटल एफ, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरी चीज अगर नहीं पता लग रहा तो आप क्या कीजिए, 44 से जस्ट ऊपर जाइए तो आपको पता लग जाएगा, ये हमारा कैपिटल एफ है। और ये मैंने बहुत अच्छे से काफी आपको क्लास में बता दिया है। सो 18 आ गया। अब मुझे नहीं लगता आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से यहाँ ये सारी वैल्यूज रख लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखिए मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन फाइंड करते हैं, इक्वल टू एल कितना है, 219.5 प्लस n by 2 कितना आया, देखिए 30 माइनस का कैपिटल एफ इज 18 अपॉन ये आ गया 26 इनटू, देखिए इसमें मैं इसको यहां पर छोड़ दूं, चलिए एक काम करते हैं, कितना हो गया देखिए, टाइम देखते हैं, वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा आ रहा है देखिए हमें, ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। ये आ गया 30 माइनस कितना आया 10 into 2, ये आ गया आपका 12, ऑलराइट, कितना आ गया इसमें ध्यान सुनना, ये आ गया 12, यस 12 अपॉन 26 इंटू 10, यहाँ से देखिए 2 6 12 और 2 2 3 6, सो 60 अपॉन 13 आ गया, सभी लोग ध्यान सुनना, 219.5 प्लस 60 अपॉन 13, इसको जरा सॉल्व कर ले, 2 6 12 2 1 2 2 3 6, आइए सो 13 डिवाइड करिए, चलिए यहाँ करते हैं 13 2 13 13 4 52 13 4 52, ऑल राइट, ये आ गया यहाँ से देखिए 10 9 8, ऑल राइट, और 0 13, अच्छा पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 13 6 78 2 आया, ऑल राइट, फिर 0 बढ़ाया, 13 1 13, ठीक है, इस तरीके से 4.61 लगभग आ रहा है, 10 9 8, ठीक है 4.61, सो ये आ रहा आपका यहाँ से 219.5 प्लस 4.61 आ रहा, ऑल राइट, इसको आप प्लस कर लीजिए, ठीक है, कितना आएगा देखिए 219.5 में से 4.61 आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 6 11 1 1 10 4 1 2, और ये 224.11 224.11। अगर आपको आंसर चेक करना है स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए, मीडियन क्लास पर होनी चाहिए, ऑल राइट, जो आपकी क्लास इंटरवल है उसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है, मीडियन कहाँ पर होना चाहिए, जो आपकी मीडियन क्लास है वहीं पर ही होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में होनी चाहिए, ऑल राइट, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्सक्लूसिव है, तो इनके बीच में, ये और इसके बीच में आने वाली वैल्यूज, जो कि यह है 200 दिख रहा है आपको, 224.11 भी कहीं ना कहीं आएगा, इसको अगर और आगे सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं, 13 4 52 10 9 8 13 6 78 और 2 0 13 1 13, और यहाँ से 3 आ जाएगा और ये फिर से 7 आ जाएगा, ऑलराइट, हाँ ठीक है 0 फिर 13 5 65, ऑलराइट 4.615 अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 4.615 आएगा। सो इस तरीके से 22 224.115 आ गया आपका, ये क्या आ गया आपकी मीडियन आ गया, ठीक है। सो मीडियन एक बार और चेक कर लेते हैं, 30 माइनस ये 12 और 12 बाय 2 6 जा 12 30 और 10 से 60 13 4 जा 52 10 9 8, स्टूडेंट ध्यान से सभी चेक कर लिए इन चीज़ों को, पॉइंट वाले चीज़ें, 13 6 जा 78 और 2 13 1 जा 13 10 9 8 7 और 13 5 जा 65, यस 4.615 इज द करेक्ट। तो 224.115 ये आपका मीडियन, 224.115 कितना
224.115। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर से एक होमवर्क दे देता हूँ। ये मैंने आपको फाइंड कर दिया, आपके लिए फाइंड करवा दिया, ये हो गया। नाउ वी हैव अ एम्पेरिकल रिलेशनशिप टू फाइंड, सो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन दोस बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, विच इज क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना। सो सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है इसका सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसका हो गया है जो कि इतना आ गया है, मीडियन आ चुका है। सो मोड निकालना, तो एक फॉर्मूला लिखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर रखना 3 मीडियन मतलब 3 इंटू 224.15 इज इक्वल टू मोड, देखिए हाँ बहुत अच्छी बात है, इसने क्या क्या रखा, हाँ मोड दे रखा है, मोड इज 223.78 बोला गया प्लस 2 इंटू मीन। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया, यहाँ से प्लीज आप सभी लोग यहाँ से मुझे मीन फाइंड करके दिखाइए। ऑलराइट, सभी को दिख रहा होगा क्लियर। चलिए मीन फाइंड करके आप सभी लोग मुझे इसका आंसर दिखा देना। सो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया किसका, केस स्टडी का। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो प्लीज एक बार सभी लोग आप लाइक कर दीजिए। ऑलराइट, और शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स तक, इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। अब हम जो अगली केस स्टडी करने वाले हैं वो यहां से हाइट एंड डिस्टेंस की है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आइए। सो स्टूडेंट्स आ जाइए सभी लोग, प्लीज़ तैयार हो जाइए। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, यस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर के अंदर भी, ठीक है। चलिए सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, द हाउसेस ऑफ सुब्बू एंड अप्पू आर एट 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, आर एट 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ देयर हाउसेज इज सेम एज अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर। दोनों दोस्त, दो पर्सन है यहाँ पर, एक का नाम अप्पू है, एक का नाम सुब्बू है, दोनों की जो घर है उनके हाइट, उन जो हाउस है उसका जो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 150 मीटर अप्रोक्स, मतलब सेम है दोनों की। ऑलराइट, वन बिग टावर वॉज सिचुएटेड नियर द हाउस, उस हाउस के देखिए सामने एक बड़ा सा टावर खड़ा है, ठीक है। Once both friend decided to measure the height of the tower, they measured the angle of elevation of the top of the tower from the roof of their houses. देखिए इसका डायग्राम तो दे रखा है, लेकिन अगर नहीं दिया तो बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन तो आपको अच्छे से मैंने पढ़ा दिया क्या होता है, ठीक है, ऑफ द टावर, ठीक है, और फ्रॉम द रूफ ऑफ देयर हाउसेज, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सुब्बू हाउस टू द टावर, सुब्बू के हाउस से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टावर का, ठीक है, टावर का, ठीक है, जो कि कहां, हाँ टावर के टॉप का बन रहा है, टू द टावर, एंड फ्रॉम अप्पूज हाउस टू द टॉप ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। चलिए बहुत अच्छी चीज है, फटाफट से करते हैं, कुछ उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक टावर है इस तरीके से, देखिए ये टावर है, मान लीजिए ये है बेस लेवल। अब यहां पर दो घर है, एक किसका है, अप्पू का, एक सुब्बू का, तो पहला मान लेते हैं सुब्बू का है, देन अप्पू का। अब देखिए इसमें मानने वाली बात नहीं है, यहां पर दिया है क्वेश्चन ने दे रखा कि ये जो है यहां पर ये वाला किसका घर है, ये अप्पू का है, इसमें लिख देते हैं अप्पू, ये अप्पू का है और ये किसका है, सुब्बू का है। ऑलराइट, सुब्बूज हाउस, ऑलराइट। ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे शेयर किया था, उन्हीं का मैंने केस स्टडी ले रखा और ये अच्छी लग रही है, तो मैंने इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, ठीक है, अप्पूज, ये सुब्बूज हाउस। अब देखिए इनके छत क्या है, ये है रूफ, यहां से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टावर के टॉप का। ऑलराइट, ये भी ध्यान सुनिए, इस तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है। अब आपको देखिए एक बेस लेना पड़ेगा, इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये मैंने कर दिया क्योंकि ये घर है, आपको पता है ये पहले से ही डायग्राम दे रखा है। अब देखिए ये सुब्बू का है हाउस, कौन सा, ये वाला सुब्बू हाउस। अब देखिए इसमें यहां पर क्या दे रखा ना, जो सुब्बू के हाउस से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का, वो कि 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और यहां से कितने का बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। चलिए स्टूडेंट्स क्लियर होगा। और आपको एक चीज और दे रही कि दोनों के घर के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है, और एक चीज और दे रखा है कि आप वो कि दोनों की जो घर की हाइट है वो सेम है, मतलब 150 मीटर इसकी भी है एंड 150 मीटर इसकी भी है। आपको फाइंड करना है, वी हैव टू यू नो यू नीड टू फाइंड ए बी, पहले सी लिख लेते हैं इसको, अगर लिखना है तो डी,
इसको ई, इसको एफ, मर्जी है सुनें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर इन द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड अप्पू'स हाउस। टावर और अप्पू के हाउस की डिस्टेंस, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी निकालनी है। एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको एक्स ले लीजिए, इस पूरे टावर की हाइट आप मान लीजिए कितनी, कैपिटल एच मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब इतना 150, सो स्टूडेंट्स यहाँ सुनना, ये भी आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 150 होगा। अब पूरा एच ठीक है, इस पूरे में से ये 150 माइनस करेंगे तो आपको पता चल गया कि ये वाला आप कितना लेंगे, अब एच माइनस 150। ऑल राइट, ये भी आप कितना लेंगे, एच माइनस 150 इस पूरे में से, कैपिटल एच ठीक है। इस पूरे में से आपने क्या किया, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, हाँ चलिए, सो ये वाला कितना आ गया मैं आपको बताता हूँ, ये आ गया आपका h माइनस 150 मीटर। ऑल राइट, ये वाली जो डिस्टेंस है a से लेके b तक की वो कितनी है आपकी, h माइनस 150, और ये मैंने मान ली x ठीक है। अब देखिए यहाँ सबको फाइंड करना है कैपिटल H क्या होगा, सो सबसे पहला चीज आप लोग ये फाइंड करेंगे, देखिए कैसे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जल्दी से लगाइए tan 45 डिग्री, और ये क्या होता है आपको 1 ही होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर कितना है देखिए h माइनस 150 एंड बेस कितना आप लोगों का x है, सो यहां से पता लग गया ये तो 1 होता है, सो x इज इक्वल टू h माइनस 150। ऑलराइट स्टूडेंट, इतना सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, h माइनस 150 ये हो गया हमारा ठीक है। इसको एक क्वेश्चन मानना चाह रहे हैं, क्वेश्चन मान लीजिए। अब देखिए दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको, इन ट्राइंगल ए बी डी ये लगाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, ए बी डी ट्राइंगल में आप tan 30 लगाएंगे, सो क्या आएगा देखिए, दिख रहा है यहाँ तक सभी लोगों को, tan 30 दिख रहा है, चलिए वेरी गुड, सभी को दिख रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान सुनिए ये वाला देखिए, ए बी भी ए बी डिस्टेंस ही आएगी, ए बी डी में ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरा बेस, सो बी से लेकर डी तक कितना है देखिए, एक्स और 100 मिला के एक्स प्लस 100 है, ये तो आपको पता चल गया होगा, सो एच माइनस 150 अपॉन एक्स प्लस 100 दिख रहा है नीचे आपको, एक्स प्लस 100 चेक करें ठीक हो, दिख रहा है, चलिए सो ये हो गया हमारा x प्लस 100, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। अब tan 30 कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, ऑलराइट, और ये इज इक्वल टू में h माइनस 150 अपॉन x प्लस 100। अब एक काम कीजिए, अब देखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रहा है कि पूरा h माइनस 150 कितना है, x है, सो इस पूरे की जगह पर मैं x लिख देता हूं, क्लियर है। चलिए अब इसको यहां इसको वहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब देखिए रूट इसको वहां ले लेते हैं या फिर ऐसे करके इसको यहां ले लेते हैं, रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, अंडर रूट थ्री माइनस 1 और ये आ गया आपका 100, सो यहां से एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 एंड वी नो दैट हाउ टू रेशनलाइज दिस वन, ये हो गया इस तरीके से ठीक हो गया। अब रेशनलाइज कर लीजिए तो क्या आएगा देखिए, सो x इज इक्वल टू ये आ गया 100 अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2 a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका 50। ऑल राइट, सो x इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 प्लस 1, चलिए सो अगर x आ गया ये तो h कितना आएगा, तो आपको पता है यहां रखिए h की, देखो x की वैल्यू कीजिए तो 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 ठीक है इज इक्वल टू एच माइनस 150, इसको यहां लाइए आपको एच भी पता लग जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस का 150। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा ना, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है, 50 अंडर रूट 3 प्लस ये यहां जाएगा 50 और प्लस ये 150, सो यहां से आपका 200, देखिए मैं इसको आधा छोड़ तो देता हूं आपको, 200 प्लस 50 अंडर रूट 3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप कुछ मत करना, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना, 50 अंडर रूट 3 कितना होगा, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 लेना ठीक है, अंडर रूट 3 आपको पता है कितना होता है, 1.732 होता है ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा ठीक है। करना चाहेंगे या खुद करेंगे बताइए, नहीं मैं कराऊं या आप खुद करेंगे, चलिए सो एच इज इक्वल टू 200 प्लस 50 ये आ गया, और
यहां से अगर आपको x निकालना है तो x अभी अभी आपने निकाला, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, हाँ एक चीज और, आपको BD फाइंड जब करना होगा ना B से लेकर D तक, क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, सो फर्स्ट तो आपका यहां से आ जाएगा, आप लोग इसको निकाल लेना पूरा प्रॉपर, ठीक है। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 लेना और आपका आंसर आएगा और करेक्ट आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है, आपको B से लेकर D तक की डिस्टेंस निकालनी है। सो BD डिस्टेंस क्या है आपको पता है, आपको x प्लस 100 है, कितनी है, क्योंकि बोला गया है कि अप्पू की अप्पू के घर की डिस्टेंस टावर से कितना दूर है, कितना है मतलब, ठीक है, कितनी है घर से या अप्पू के घर से टावर की डिस्टेंस कितनी है। सो x प्लस 100 ये तो है, ये देखिए x और 100 और x आपका कितना आया अभी, ये आया। सो BD इज इक्वल टू x कितना आया आपका 50, इसको भी आप सभी लोग करना अंडर रूट 3 प्लस 1 और यहाँ प्लस का 100। मैं ऐसा पेंडिंग छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी, अब आप कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, यही सब करेंगे, 50 अंडर रूट 3 प्लस 50 प्लस 100, सो ये आ गया आपका 150 प्लस, ये देखिए मैंने इतना छोड़ दिया आप लोगों ने। अब आप प्लीज़ इतना मुझे फाइंड करके दिखाएंगे तो आपको आपके लिए भी सही रहेगा कि यस कुछ तो आप करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ये आ गया यहाँ से आप लोगों का आंसर, व्हाट इज द, ठीक है ना, क्लियर है, x प्लस 100 150 प्लस 50 रूट 3 और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा 200 प्लस 150 प्लस 50 200 और यहाँ से 200 प्लस 50 रूट 3, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना, रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, सब कुछ करेक्ट है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है, ये 150 दिया था, ये 100 दिया था और ये 150 दिया था, तो h माइनस, वेरी गुड, h माइनस 150 हो गया, हमने 1045 लगाया तो ये आएगा इतना अपॉन इतना इतना अपॉन इतना, वेरी गुड, x हमारा इतना आ गया। देन हमने 1030 लगाया तो ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, हमने x प्लस 100 लिखा और h माइनस 150 लिखा, चेक कर लीजिए, यस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड 1030 क्या होता है हमें पता था 1/√3 होता है, सो h माइनस 150 यहाँ पर कितना है x है, तो ठीक है ये वहाँ गया वहाँ गया और रूट थ्री एक्स कॉमन लिया तो रूट थ्री माइनस वन बचा, और इसको हमने रेशनलाइजेशन जब किया 100 अंडर रूट 3 प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑल राइट, सो 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 इंटू 50 ये 50 अंडर रूट 3 प्लस 1, यस एक्स की वैल्यू तो हमें पता लग गई यहाँ से, अब 100 प्लस यस एक्स प्लस 100 तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसमें हमने 100 प्लस कर दिया, ऑल राइट, चलिए ओके वेरी गुड स्टूडेंट, ये क्लियर है आपका, बस आपको निकालना है अब ये, इसको निकाल लेना आप लोग और इसको निकालना अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करके, आपके दोनों आंसर निकल जाएंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अब मैं आपको और करवा देता हूं, ट्राई करते हैं, आइए चलिए स्टूडेंट्स अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर से, वो देखिए यहाँ पर कौन सा है, केस स्टडी का है। सो स्टूडेंट देखिए अभी हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ये क्वेश्चंस आप सभी लोग अपना तो करना और प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने अपने दोस्तों को भी, थोड़ा सा देखिए उनको भी थोड़ा ज्ञान देना और उनको भी ये शेयर कर देना, जितनी भी मेरी क्लासेस हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी कि अपने आपने अब पूरे 40 out of 40 ले लिए और दूसरों को पीछे कर दिया, ये ऐसा कभी नहीं करना है, ऑलराइट, सो सबको शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए सो निधि एंड रियाज आर वेरी क्लोज फ्रेंड, निधिस पेरेंट्स ओन अ मारुति ऑल्टो एंड रियाज पेरेंट्स ओन अ टोयोटा लीवा, सो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब जो रिया के पेरेंट है वो थोड़े अमीर है, ठीक है, एंड बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक टू सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात बाय देयर ओन कार, ये कुछ नहीं है केस स्टडी है। अब देखिए सो सबसे पहले केस स्टडी में कुछ लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिए, निधिस कार ट्रेवल एक्स किलोमीटर पर आवर वाई रियाज कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन निधिस कार। सो देखिए आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले से ही दे रखा है, सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको हम सॉल्व करते हैं, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर अबव कंडीशन या सिचुएशन जो भी है, ठीक है। सो यहां पर से देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था, ठीक है। सो देखिए निधि कार के हाथ, पहले लिखते हैं निधि की कार की जो ट्रेवल स्पीड है, निधिस कार की जो स्पीड है वो कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट। अब जो रिया की जो कार है वो निधि की कार से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से चल रही है, लिखा गया है ना, यस हाँ, निधिस वाइल रिया कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। सो रियास, ये रियास की कार है कि स्पीड है लिखी कितनी है निधि के कार से 5 ज्यादा, ठीक है, तो ये हो गया, ऑलराइट स्टूडेंट्स चलिए ठीक है। तो अब यहां से देखिए निधिस कार टुक 4 hours मोर देन रियाज कार, ये भी सही बात है, देखिए निधिस कार टुक 4 hours मोर, अब जो वैसे ही बहुत कम स्पीड से जा रहे तो आपको पता है ना किसी गिवन डिस्टेंस पर जाने के लिए क्या करेगा, जो निधि की कार है
ठीक है। अगर कोई सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, ध्यान सुनना, अगर कोई सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ऑलराइट, अब ये दो स्पीड्स हैं, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड कम होगी वो क्या होगी, देर में पहुंचेगी, ज्यादा टाइम लगाएगी, ठीक है, दूसरी वाली गाड़ी से, ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा है। अब देखिए स्टूडेंट हो क्या रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है कि निधि की जो गाड़ी है, निधि की जो कार है, जो निधिश की जो कार है वो क्या कर रही है, 4 घंटे ज्यादा लगा रही है, 4 आवर्स मोर देन रियाज कार, ठीक है। जितना रिया के कार टाइम लगा रही है उस टाइम से 4 घंटा ज्यादा कौन, निधि की कार जो है टाइम लगा रही है, ऑलराइट। तो ये मतलब ये है कि एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए लेट द, एक काम कीजिए कि रिया की जो कार है वो मान लीजिए टी टाइम लगा रही है, लेट द रियाज कार, रियाज कार टेक टी वन, ठीक है, क्या बोला मैंने, टेक्स रिधि कार टेक्स, इस तरह से लिखिए आप लोग, यस, टी वन आवर्स लगा रही है, ठीक है, इस तरह समझिए। और मान लीजिए कि जो लेट द निधिश कार, क्या बोला गया, निधिश कार, तो निधिश की कार ध्यान सुनिए, मान लीजिए टी टू टाइम लगा रही है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं यहां से, देखते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अब कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए, यहां पर देखिए आपको ये मत लिखना आपकी टी वन प्लस फोर, ये ठीक है आपने टी वन प्लस फोर लिखा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको और अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं उसको। देखिए आपको क्या करना आप लोग कि निधि की कार, ये है निधि की कार, ठीक है, निधि की कार रिया की कार से 4 घंटे ज्यादा लगा रही है, तो रिया की कार से 4 घंटे ज्यादा ये लगा रही है, देखिए रिया की कार से 4 आवर्स ज्यादा, 4 आवर्स मोर, ठीक है, निधि की कार ने क्या किया, रिया की कार से 4 घंटे ज्यादा टाइम लगाया, ठीक है, निधि की कार ने रिया की कार से 4 घंटे ज्यादा लगाया, क्योंकि निधि की जो कार है वो कम स्पीड से चल रही है इन कंपेरिजन टू रियास कार, ये तो क्लियर है। सो यहां से पता लगे कि टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू फोर, ठीक है, टी टू माइनस टी, देखिए ये यहाँ जाएगा, सो डिफरेंस मतलब 4 का आया। अब इसमें ध्यान से सुनिए, अब एक काम करते हैं, देखिए मैंने निधि की कार का टाइम कितना ले रखा है, ध्यान सुनना, निधि की कार का टाइम ले रखा है टी टू और रिया की कार का टाइम ले रखा है टी वन, ठीक है। सो टी वन टी टू क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टाइम है, एंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है, ठीक है, ये रख लीजिए। देखिए टी टू क्या है, टी टू किसका टाइम है, टी टू निधि का, तो निधि की कार का टाइम, निधि की कार की स्पीड है कितनी, एक्स है। सो आपको अगर टी टू फाइंड करना है, आपको पता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर जो कि सेम डिस्टेंस है, कवरिंग 400 किलोमीटर की डिस्टेंस। सो डिस्टेंस यहाँ पर आपको दे रखी कि दोनों 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यूज रख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये एक तरीका है, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है, चलिए। सो देखिए टी टू क्या होगा, एक काम ये है, टी टू निधि की कार, और इस कार की स्पीड कितनी है, निधि की कार की स्पीड कितनी है, एक्स है। तो देखिए टी टू इज इक्वल टू टी टू टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो यहां पर क्या आएगी, टाइम की जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी, एक काम कर लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए वैसे पता ही है किसकी, निधि की कार की, तो एस एन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसकी, टी वन कौन है, टी वन कौन है, देखिए टी वन किसका टाइम है, रिया का, तो गाड़ी भी किसकी, स्पीड भी कौन सी, ये वाली, ठीक है, रिया वाली, हाँ एक्सप्रेस, तो इसको एस आर लेते हैं रिया करके, ये समझाने के लिए बता दिया मैंने। अब देखिए डिस्टेंस तो सेम है, 400 अपॉन SN कितना है, SN कितना है यहाँ पर देखिए, मतलब स्पीड ऑफ निधि, निधि कार की स्पीड x है, और माइनस 400 अपॉन ये कितना है आपका, x प्लस 5 है, ठीक हो क्या, चलिए वेरी गुड, हाँ इतना ही दे रखा है, बस चेक कर ले, यस 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, एंड इज इक्वल टू 4 है, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म कर लीजिए, और बहुत सरल है, देखिए बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 5, देखिए ये x से x कट गया और x प्लस 5 अब इससे इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 400 इंटू एक्स प्लस 5, ऑल राइट। अब देखिए x प्लस 5 से 1 ये कट गया x प्लस 5 बार, और यहाँ पर आ गया ये 400x माइनस का 400x, ऑल राइट, इज इक्वल टू 4, ऑल राइट। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इसको आप यहां लिख रख लेते हैं 400x प्लस, देखिए 400 इंटू 5 कितना, 2000, ऑल राइट, फिर आपका क्या होगा, माइनस का 400x, और नीचे कितना आएगा दिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू 4 आ गया, इससे तो ये कट गया, और यहां कितना आ गया, 2 1 2 3, ऑलराइट, ध्यान से देखना कितना आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर एक काम करेंगे आप सभी लोग,
ये तो आ गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए, 4 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर एंड 4 5 20x। अब एक काम करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 20x इसको यहाँ लिख लेते हैं तो माइनस का 2000 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 4 4 4 5 20 एंड 4 5 20 500। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 500 इज इक्वल टू 0। सो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, मजा आ गया स्टूडेंट। सो ये आपका देखिए यहाँ से दो मार्क्स आपको मिल गए, ऑलराइट, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब आप मुझे यहाँ से इसके रूट्स फाइंड करके दिखाना, ठीक है, रूट्स तो फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए अभी देखिए इतना ही आपको लिखना है, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड करनी है सो एक काम करते हैं दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या लिखा गया। सो कह रहा है हाउ मच टाइम डिड रिया टेक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। देखिए रिया कितना समय लेगी 400 किलोमीटर डिस्टेंस की ट्रैवल करने में, ठीक है, 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो कितना टाइम लेगी कौन, रिया। सो रिया कितना टाइम लेगी, तो रिया का पहले रिया की गाड़ी का जो गाड़ी की जो स्पीड है वो तो पता होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है क्या कि एक्स भी फाइंड करके दिखाइए। सो सेकेंड वाले क्वेश्चन में एक्स फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आइए। सो इसको अगर सॉल्व करने के लिए, अब देखिए स्टूडेंट्स ये मुझे पता लग रहा है 25 to 50 होता है तो मैं इसके दो फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है, माइनस करने में 5 आना चाहिए, इनटू करने में 500 आना चाहिए। तो मुझे पता लग गया यहाँ से कि 25x माइनस का 20x, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया इस 5 को, और ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता रहा है क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो तो नो पहले ही पढ़ चुके हैं आप सभी लोग, मैं हर एक क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। चलिए एक्स ऑफ एक्स प्लस 25 मिड टर्म स्प्लिट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स यस स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो आपको पता है तो एक्स प्लस 20 और एक आ गया एक्स माइनस 20, सो यहाँ से आपको पता लग गया एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 एंड एक्स इज इक्वल टू 20, बट दिस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 20 फॉर दिस केस, सॉरी एक आएगा हमारा 25, ठीक है, और एक आएगा हमारा माइनस का, एक्स इक्वल 20। यस द स्पीड हमेशा कितनी किस में हो सकती है, पॉजिटिव में होगी, होगी स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। सो यहाँ से एक्स क्यूलो 20 आ गया, बस अब आपको क्या निकालना है, सिंपल सा फंडा है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर देखिए, इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ, ध्यान सुनना आप लोग, ठीक है। चलिए सो इसके बाद इधर कर लेते हैं, निधि की कार की स्पीड निकालनी है, ठीक है, टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू देखिए कितना था निधि की कार का टाइम, निधि निधि टाइम T2, सो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कौन सी 400 और स्पीड किसकी निधि की, T2 को सॉरी निधि की निकालना है, किसका निकालना है, रिया की, सॉरी रिया की निकालना है। सो T2 इज इक्वल टू T2 कौन था, रिया, नहीं नहीं हमें T1 निकालना है, ऑलराइट, आप T1 भी T2 भी निकाल सकते हैं। सो रिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 400 अपॉन स्पीड कितनी है रिया की, हाँ ये आ गया एक्स इक्वल 20 आया, सो 20 प्लस 5 25, यह आ गया 525 58 40 एंड 500। अब यहाँ से आ गया आपका ये 16 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये आपका टाइम है तो ये आवर्स होगा, और राइट गलतियाँ मत करना छोटी छोटी, एंड T1 इज इक्वल मतलब ये टाइम हमें मिल चुका है, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा, एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आला या ये वाला हिस्सा जो मैंने कराया है आपको, ये वाला पार्ट, ये एक तरीका है आपको समझाने का, नहीं तो जो बुक्स हैं आप लोगों की डायरेक्ट वहाँ पर लिख रखा है, फिर आपको कन्फ्यूजन होता है सर कितने लेंदी क्वेश्चन हैं वो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं आ रहे समझ में, इसलिए नहीं आ रहे स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोग या तो प्रिपेयर नहीं हो और या तो आपको वो कॉन्सेप्ट मिला नहीं अभी तक, ऑलराइट, कि किस तरीके से उसे समझना है। चलिए तो ये था वो कॉन्सेप्ट कि हमें इनको इस तरीके से समझना पड़ेगा, तब आप इजीली एक क्वालिटी क्वेश्चन बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो और अपने एग्जाम में इसको आराम से कर सकते हो, बिल्कुल नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है, एक टाइम एज्यूम कर लीजिए, मैंने ले लिया निधि की कार ने T2 आवर्स का टाइम लिया और रिया की कार ने T1 आवर्स का टाइम लिया, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आस्किंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन चल रही है कि तो टाइम है निधि की कार ने जितना भी टाइम लिया है वो रिया की कार जो टाइम ले रही है उससे 4 आवर्स ज़्यादा टाइम ले रखा है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होगा। अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना और जो लोग पहली बार आज चैनल पर विजिट हो रखे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना, ऐसी ही आपकी डेली यहाँ पर क्लास चलते रहेगी 6 PM इवनिंग पर आपको मिलते रहेगी। सो अभी जल्दी हम यहाँ पर देखिए या तो कल या फिर हम परसों एक क्लास और आके आने वाली है कार्बन एनिट्स कंपाउंड की जो सेकंड वाली क्लास है वो आपको मैं करवाऊंगा, ऑलराइट। सो एक बार प्लीज़ आप सभी लोग हमारी साइंस की क्लास भी देख लेना। सो चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से
नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल एक और मजेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।